ट्रायलाइन चंबा द्वारा आज डलहौजी उपमंडल की पंचायत घटासनी में ओपन हाउस कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घटासनी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल प्रधानाचार्य श्री जगजीत सिंह आजाद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि ग्राम पंचायत घटासनी के प्रधान श्रीमती बीना राणा एसएमसी की अध्यक्षा श्रीमती सीमा देवी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रही। स्कूल के बच्चों द्वारा नशे के दुष्प्रभाव और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देती एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई। इस मौके पर चाइल्ड लाइन समन्वयक कपिल द्वारा बच्चों को चाइल्ड लाइन की कार्य प्रणाली के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया। साथ ही अनाथ अर्थ अनाथ स्कूल छोड़ चुके बाल तस्करी व नशे में लिप्त तथा घर से भागे हुए बच्चे हेतु चाइल्ड लाइन की भूमिका के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। कपिल ने बच्चों को बाल मजदूरी बाल विवाह तथा बाल यौन शोषण सोशल मीडिया के हानि लाभ के बारे में भी बताया। साथ ही उन्हें सेफ टच व अनसेफ टच को लेकर भी जागरूक किया। उन्हें चाइल्ड लाइन टोल फ्री नंबर 1098 की कार्य प्रणाली भी बताई गई। साथ ही बच्चों को पोक्सो अधिनियम नशे की बुराई व अन्य कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। मुख्य अतिथि द्वारा भी बच्चों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में अवगत करवाया गया। एक पढ़ाई पर ध्यान देने हेतु प्रेरित किया गया। उन्होंने बच्चों को सकारात्मक सोच के साथ आपसी सहयोग से आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य निर्धारण हेतु भी प्रेरित किया। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन हेतु चाइल्ड लाइन का धन्यवाद किया। कार्यक्रम के अंत में चाइल्ड लाइन चंबा द्वारा मुख्य अतिथि विशेष अतिथि व बच्चों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। तो उसका विरोध जरूर करें। हमारे 9वीं से 12वीं तक की जो खासकर हमारी बेटियां हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश यहां से किया है, क्योंकि समाज की जो हालत है वास्तव में चिंताजनक है। हमारे हिमाचल में बहुत कुछ हो रहा है। गुड़िया का आप कांड देखें, अगर आप गुड़िया की आप स्टोरी को देखें तो हमारी आंखों से आंसू आते हैं कि हमारे समाज में बेटियों के साथ क्या हुआ है। निर्भया का कांड देखें, और जो निर्भया जो अंतिम जो 3 दिन थे, उन 3 दिनों में जिस तकलीफ से उस हमारे समाज की बेटी हमारी बहन गुजरी है, वो मेरी बेटी मेरी बहन आपकी बहन किस आज इस चाइल्ड लाइन के इस आम हाउस पर मैं आप जितने भी हम जेंट्स हैं हमारे जो बेटे हैं, मैं ये आपसे ये चाहता हूँ कि सचमुच समाज में अपनी बेटी हमारी माँ की तरह समझे, और समाज में अगर उनको कोई खतरा है तो हम ये कोशिश करें कि अपनी बहन की तरह अपनी बेटी जी। आपका विशेष धन्यवाद कि हमारे विद्यालय में आप आए, और मैं चाहूंगा कि साल में एक आप सभी का बहुत बहुत आभार। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सलूनी से अशोक कुमार आर्य की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।